दोस्तों आज की वीडियो में हम चीकू से होने वाले अनगिनत फायदे के बारे में बात करेंगे। चीकू एक ऐसा फल है जिसमें अनगिनत औषधीय फायदे छुपे हुए हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। ये छोटा सा फल स्वाद में ही बहुत मीठा होता है। यह दिमाग को तेज बनाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है और त्वचा की खूबसूरती बनाए रखता है। चीकू में विटामिन ई, ए और सी होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए तथा जवान बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका रोजाना सेवन करने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती है, जिसके कारण शरीर पर होने वाली उम्र की असर को दूर किया जा सकता है और त्वचा की रंगत बढ़ती है और त्वचा हमेशा मुलायम बनी रहती है। दोस्तों चीकू तो बेहद फायदेमंद होते ही है, साथ में इसके बीजों का सेवन किया जाता है तो पत्री भी टूटकर बाहर निकल जाती है। जिन लोगों को बार बार कब्ज की समस्या रहती है, कब्ज हो जाता है, तो चीकू का सेवन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सेवन करने से कब्ज मिटता है, जिसके कारण पेट की कई बीमारियाँ दूर होती है। दोस्तों यही नहीं, ये दिमाग को तेज बनाता है, दिमाग को शांत रखता है और पुरानी सर्दी खांसी में भी लाभकारी होता है। इस फल में एंटीवायरल, एंटीपर्सिटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर में बैक्टीरिया को आने से रोकता है और कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जिनको आंखों से संबंधित समस्या है, दूर का दिखाई न देता हो, पास का दिखाई न देता हो, ऐसे लोगों को रोजाना चीकू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस फल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर होता है। इस फल में ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को एनर्जी से भर देता है। दोस्तों कैंसर के मरीज भी चीकू का सेवन कर सकते हैं, ये कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, जो कैंसर के खतरे से बचाता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन की अधिक मात्रा होने से हड्डियाँ की कमजोरी दूर होती है और इसका रोजाना सेवन करने से हड्डियाँ भी मजबूत बनती है। चीकू अकेला ही कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, मिटाता है और बीमारियों को होने से बचाता है। इसके लिए हमेशा स्वस्थ रखने के लिए चीकू खाना बेहद फायदेमंद है। दोस्तों चीकू खाने से सबसे पहला फायदा होता है आंखों की रोशनी बढ़ाने का। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज होता है, जो शरीर को ऊर्जा से भर देता है। इसमें विटामिन ए और बी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं, जो कैंसर से लड़ने के लिए मददगार होते हैं। रोजाना चीकू खाने से कैंसर जैसे खतरे से बचा जा सकता है। दोस्तों इस मीठे फल में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन काफी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों जिन लोगों को बार बार कब्ज रहती हो, इनके लिए चीकू खाना बेहद फायदेमंद होता है। इस फल में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज से बचाता है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है। दोस्तों रोजाना चीकू का सेवन करने से दिमाग शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। दोस्तों यदि आपको पथरी या मूत्र संबंधी कोई समस्या है, तो चीकू आपके लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए चीकू में जो काले रंग के बीज होते हैं, इसको इकट्ठा करके इसका चूर्ण बनाए और इसे 5-7 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेने से पथरी यूरिन के साथ निकल जाती है। इसके बीजों का चूर्ण गुर्दे संबंधी रोगों में भी लाभकारी होता है। चीकू में कार्बोहाइड्रेट और जरूरी पोषक तत्व काफी मात्रा में होते हैं, इसी कारण गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चीकू खाना बेहद फायदेमंद होता है। चीकू खाने से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि कमजोरी, मतली, चक्कर आना जैसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। दोस्तों चीकू में हेमोस्टेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसी कारण यह बॉडी में ब्लड के लेवल को सही मात्रा में बनाए रखता है। इसके अलावा चीकू खाने से अंदरूनी और बाहरी घाव भी शीघ्र भरने लगते हैं। यदि किसी कारण दस्त की समस्या हो जाती है, तो चीकू को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। इस काढ़े को पीने से दस्त में आराम मिलता है। इसके अलावा यह काढ़ा बवासीर और पेचिश में भी फायदेमंद होता है। दोस्तों सर्दी और खांसी से बचने के लिए भी चीकू खाना बेहद फायदेमंद होता है। यह सीने से कफ को बाहर निकाल देता है। चीकू में मूत्रवर्धक गुण पाया जाता है, इसलिए चीकू का सेवन करने से पेशाब के रास्ते जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों इसका भरपूर लाभ लेने के लिए रोजाना 1-2 चीकू अवश्य खाली पेट खाना चाहिए।
चीकू में ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को सलाह है कि ये अपने चिकित्सा के सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा शुगर को बढ़ा सकती है।